अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बताऊंगा आपको कि आपको सेल्फ मॉक्स कैसे देने चाहिए और सेल्फ मॉक्स का मतलब क्या है, किस तरह से आप अपनी तैयारी को घर बैठे कर सकते हैं। अगर मॉक्स नहीं देने कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर एवेल्युएट कैसे करें अपने आप को, तो और प्रिपेयर कैसे करें। अब देखें, आपने अगर कोई टॉपिक है, आपने एजुकेशन का टॉपिक तैयार कर लिया ऐसे के लिए, तो आप पहले तो लिस्ट बनाएं कि मैंने ऐसे के लिए टॉपिक तैयार करने हैं। उसमें से एक टॉपिक उठाए आप एजुकेशन का, उस एजुकेशन के ऊपर आप मटेरियल पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री सुने, मटेरियल पढ़ें और उस एजुकेशन के टॉपिक को पहले आप तैयार करें। जब आप एजुकेशन के टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो फिर आप निकालें पास्ट पेपर्स, और पास्ट पेपर जो से हैं उनमें से एजुकेशन का ऐसे कोई भी आया उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पहले तो आपसे अटैम्प्ट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लगाते हैं रटा, और जब आप क्रैम करते हो तो शुरू में आपका माइंड खुद प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब आप पास पेपर निकालोगे तो आपके पास पेपर आएगा, तो आप ये समझे कि आप पेपर में बैठे हैं, एफपीएस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपने अटैम्प्ट करने ही करने, क्योंकि आपने मटेरियल तैयार किया होगा और अपने माइंड को फोर्स करोगे कि मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस करना ही करना है, तो आप कुछ ना कुछ लिखोगे। लिखें, कुछ भी लिखें उसके ऊपर, पास पेपर में से जो टॉपिक आया है उसमें से कुछ भी लिखें। अब 3 घंटे आपका काम है कि आपने अपने को बाउंड रखना है कि मैंने इस टॉपिक को करने ही करना है, ये मेरा टॉपिक है जो एफपीएससी दी है, मैंने करके उठना है, मेरा पेपर है, क्योंकि मटेरियल आपने पढ़ा हुआ है। अब आप उसको अटेम्प्ट करें, 3 घंटे अपने आप को बाउंड कर लें कि मैंने पढ़ने पढ़ने और यहाँ बैठने बैठने, तो आप 3 घंटे में उसको पेपर समझ के अटेम्प्ट करें, फिर उसको रख दें। जब आपने अटेम्प्ट कर लिया, कंप्लीट हो गया है, फिर उसको निकालें और फिर आप देखें कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है। अब खुद ही पता चल जाती है आपने स्पेलिंग कहाँ गलत की है। जिस तरह आप रिवीजन करते हो तो आपको पता चल जाता है मैंने ये वाला स्पेलिंग गलत देखा है, फिर आपको ये पता चल जाता है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, ठीक है, और मैं 3 घंटे में इतने पेज लिखे हैं और किस राइटिंग में लिखे हैं तो ये तो मेरा हाल ही कोई नहीं है। फिर आपको ये पता चल जाता है कि आप पेपर में करते वक्त आपको प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ऑर्गेनाइज करने में आई थी, पैराग्राफिंग में आई थी, ये आपका सेल्फ एनालिसिस होता है, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर आपको ये भी समझ आता है कि आपने डायमेंशन क्रिएट किया नहीं किया, कैसे उसी टॉपिक को आप नेट पे लिखें और नेट पे लिख के आप उसकी डायमेंशन चेक करें कि नेट पे क्या डायमेंशन दी हुई है, या किसी ने अगर डिस्कस किया हुआ है नेट के ऊपर तो आप नेट के ऊपर देखें कि उसने क्या डिस्कस किया हुआ है, और उस आउटलाइन को जो नेट पे पढ़ी है कोई किसी और रिलायबल पे, रिलायबल सोर्स की बात करो, जिसने अटैम्प्ट किया हो, कोई टीचर हो जिसने लिए उस पर बात की हो, वो सुन के अपनी डायमेंशन चेक करें कि क्या आपकी डायमेंशन ठीक थी या नहीं थी। अब अगर डायमेंशन ठीक नहीं थी तो आपने वो जो आउटलाइन नेट पे चेक किया, किसी बुक में चेक किया, नेट के ऊपर कोई अगर रिलायबल सोर्स है आपने देख ली, फिर आपको पता चलेगा कि आपने ये उस डायमेंशन में अटैम्प्ट करना था, ये तो आपने डायमेंशन में हद अटैम्प्ट कर दी है। और फिर आपको ये भी समझ आएगी कि आपकी राइटिंग कितनी इंप्रूव होने वाली है, आपकी थॉट कितनी इंप्रूव होने वाली है, आपकी डायमेंशन बेहतर करना कितना ज्यादा बेहतर होने वाला है, आप कितना ज्यादा आपने काम करना है फर्दर आइडियाज को ग्रूम करने के लिए, क्योंकि आप जब राइटिंग कर रहे होते हैं, पेपर आप दे रहे हैं खुद मॉक, और आप 3 घंटे में उसे नहीं कर पाते और आपको पता है आप स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे हैं, आइडियाज प्रोड्यूस करने में कर रहे हैं आप, स्ट्रगल कर रहे हैं अपना पेपर कंप्लीट करने में आप, स्ट्रगल कर रहे हैं डायमेंशन पहचानने में आप, स्ट्रगल कर रहे हैं उन वेरिएबल्स को आपस में लिंक करने में जो स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, उस सारी रिपोर्ट को जो आप फील किया आपने उसका एक पेज लें, उस पर अपनी रिपोर्ट बनाएं कि मेरी ये वीकनेसेस हैं। अब आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके दोबारा पेपर अटैम्प्ट करें, और दोबारा अटैम्प्ट करके वो किसी मेंटर को दिखाएं कि यार ये मेरा ऐसे है, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, अब अपना फीडबैक दें। लेकिन पहले आप किसी मॉक में पियर हो तो पहले अपने आप को मॉक के लिए तैयार तो करें ना। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो मॉक में पियर इसलिए नहीं होते कि वो अपने आप को टेस्ट करें, वो मॉक में इसलिए पियर होते हैं कि एक दिल की तसल्ली हो जाए कि मैं मॉक में पियर होऊंगा जिसकी वजह से मैं बेहतर हो जाऊंगा, बजाय इसके कि पहले आप अपने आप को खुद एवेल्युएट करके फिर आप मॉक्स तक लेके जाए, ताकि वहां पे एक एसिड टेस्ट जिस तरह होता है वो आपका हो जाए, आप सीधा मॉक में आते हैं और अपना एनालिसिस जनरेट किए बगैर अपने बारे में आप किसी के एनालिसिस भी बिलीव कर लेते हैं।
और जब आप किसी के एनालिसिस से बिलीव करेंगे तो मे भी उन्होंने आपका टेस्ट ही ना पढ़ा हो, मे भी उन्होंने आपके आपके आइडियाज ही ना पढ़े हो, उन्होंने जो आपको बता दिया आपने बिलीव कर लिया। अब अगर आपको पहले से अपनी वीकनेसेस पता हो कि मेरी ये वीकनेसेस है, मैं यहाँ पे वीक हूँ, और फिर आप जाके किसी मौके में पेयर हो रहे हैं और फिर आप उनका रिव्यू ले रहे हैं, तो एक तो आपको पता चल जाएगा कि मॉक कंडक्ट जो कर रहे हैं वो किस हद तक सिंसियर है आपके साथ, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीकनेसेस ये हैं और इन्होंने ये वीकनेसेस निकाली हैं, क्या रेलिवेंट निकाली हैं और वो कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो आपने हाईलाइट कर सके उन्होंने निकाली हैं, फिर आएगी आपकी रियल बेहतरी और फिर आपको होगा मॉक टेस्ट का सही फायदा। बगैर प्रिपेयर होकर मॉक देना, बगैर टॉपिक को तैयार करके मॉक देना और ऐसे ही रिव्यू ले लेना अपने आप का एनालिसिस किए बगैर, ये ऐसे ही है कि अपने आप को फेलियर में धकेल रहे हो जबरदस्ती। और जो बंदा खुद फेलियर में जाता है वो उसको किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के बारे में, चाहे वो ऐसे प्रेसी का है, चाहे वो इस्लामियात का है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का है, आप एक टॉपिक तैयार करें, पास्ट पेपर निकालें, उसको अटेम्प्ट करें, अपनी रिपोर्ट बनाएं, फिर आप जाके किसी अकेडमी में टेस्ट दें, फिर उनका रिव्यू लें, उसको अपने एनालिसिस से कंपेयर करें और फिर आपको आपके मेंटोर की यूनिवर्सिटी भी पता चल जाएगी, आपको अपनी यूनिवर्सिटी पता चल जाएगी और आपको डायरेक्शन ही पता चल जाएगी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हेल्थ में, आप मेरी मदद कर रहे हैं। आई होप आपको मॉक देने से पहले ये चीजें काफी हेल्प करेंगी। थैंक यू।